बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, काफ़ी सब्सक्राइबर की हमसे डिमांड आ रही थी कि जी मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हमें कुछ ऐसे स्क्रिप्ट सजेस्ट कीजिए जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स हैं या कि सेफ स्टॉक्स हैं, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट इनकम डाइवर्सिफाई करें और उसमें जो है हमें कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड यील्ड दोनों मिलें, और अगर मार्केट्स में कोई नेगेटिव साइड पे मूवमेंट आती है तो उसमें लॉस का चांस भी कम हो। तो इस सिलसिले में व्यूअर्स, हम आपके लिए एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम काफ़ी मतलब डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो हैं अच्छे डिविडेंड यील्ड के साथ और जिनमें एक्सपेक्टेड है कि अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन आने वाले दिनों में आ सकती है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो के साथ आज हम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको UBL के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स, UBL इज़ वन शेयर जिसमें दोनों पोटेंशियल्स हैं। ये आपको एक अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन भी आने वाले दिनों में दे सकता है और इसके साथ साथ इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसमें अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी जनवरी दिसंबर 2021 में, तो इसकी प्राइस में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ और इसकी जो डिविडेंड यील्ड रही वो 15.4% पे थी। तो इसकी जो टोटल रिटर्न है वो तकरीबन 33% पे इसने अपने इन्वेस्टर्स को दी है। तो व्यूअर्स, आजकल के दौर में जबकि हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, तो अपने कैपिटल को डी वैल्यू होने से बचाने के लिए इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है, जो कि ना सिर्फ आपके कैपिटल को इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट से बचाएंगे बल्कि आपको एक अच्छी रिटर्न जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। और ये काफ़ी सेफ स्टॉक है, इनमें डाउन साइड रिस्क जो है वो भी बहुत कम होता है। तो मूविंग ऑन व्यूअर्स, इस शेयर को आपको जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि इसके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो काफ़ी उसमें बेहतरी आई है और इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बेहतर हुई है। अगर आप देखें कि इसकी जो इन्फेक्शन रेशो थी जुलाई सितंबर 2021 की पीरियड में वो 12.8% थी, जो कि कम होकर दिसंबर 2021 में 10.5% पे आ गई है। और इसी तरह जो इसके एडवांसेस कंपोजिशंस हैं यानी जिस सेक्टर में इसने अपने लोन्स लिए हुए हैं वो भी काफ़ी सिक्योर सेक्टर्स हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इस बैंक के काफ़ी एडवांटेज में जाते हैं और इसमें जो आगे डाउटफुल डेट्स या इस तरह के जो चांस हैं वो बहुत कम है गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमारी रिसर्च की जो टीम है उसने आपके साथ थे इस रिलेटेड एक रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर की, और उसमें हमने आपको ये बताया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम UBL को लाइक करते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में UBL बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो व्यूअर्स, UBL के लिए हमने दिसंबर 2022 की जो टारगेट प्राइस रखी है वो 218 रुपये पर शेयर की रखी है और करंट लेवल से इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो तकरीबन 47% का है। इसी तरह व्यूअर्स, UBL की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है फॉर द कैलेंडर ईयर 2022 यानी जनवरी दिसंबर 2022 के लिए वो हम 30 रुपये 30 पैसे पे एस्टिमेट कर रहे हैं और इसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो हम 22 रुपये 50 पैसे पे एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम कैलेंडर ईयर 2021 में देखें तो इसने जो है EPS 25 रुपये 23 पैसे की रिपोर्ट की और उसने 18 रुपये का डिविडेंड पे किया। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक साइजेबल इंक्रीज़ अगले साल में एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हम शेयर आपको रेकमेंड कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम कैलेंडर ईयर 2023 में देखें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ये इंक्रीज़ होकर 40 रुपये 20 पैसे तक चली जाएगी और इसका जो डिविडेंड पे आउट होगा वो तकरीबन 30 रुपये पर शेयर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो शेयर है ये काफ़ी डिस्काउंट रेट पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है यानी जो इसकी अर्निंग पर शेयर है और इसकी मार्केट प्राइस है उसका मल्टीपल देखें तो ये 4.9 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह के पाकिस्तानी मार्केट्स का एक स्टैंडर्ड है कि ज़्यादातर जो अच्छे शेयर होते हैं वो तकरीबन 6 to 7 के अर्निंग मल्टीपल्स पे चलते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये शेयर अभी काफ़ी डिस्काउंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी प्राइस टू बुक रेशियो देखें कि यानी इसके एसेट्स की जो बुक वैल्यू है और जो इसकी मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 0.79 टाइम्स की रेशियो बनती है, यानी ये अपने एसेट की बुक वैल्यू से इसकी मार्केट प्राइस जो है अभी
नीचे है, तो ये भी एक चीज़ उसको जो भी मैंने आपको असर्शन दी उसको रीइन्फोर्स करती है कि ये शेयर अभी काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल्स पे है। तो अगर हम इसकी जो कैलेंडर ईयर 2022 की एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है दैट इज़ 15.4%, उसको ऐड करें जो इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आइंदा आने वाले साल में आपको तकरीबन 62% की रिटर्न सिर्फ यूनाइटेड बैंक से मिल सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न अंडर द करंट सर्कमस्टांसिस। तो व्यूअर्स, अब उन फैक्टर्स का जायज़ा लेते हैं जिसकी वजह से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यूपीएल में इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए आप इस शेयर को चूज़ करें और इसमें आप इन्वेस्ट करें। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो कैलेंडर ईयर 2022 में 22% से ज़्यादा होगी और कैलेंडर ईयर 2023 में ये इंक्रीज़ होकर 32% तक जा सकती है। और इस बैंक की जो रिटर्न ऑन एक्विटी है वो साल 2021 में 14.5% थी, जो कि अगले 5 सालों में हम एवरेज बेसिस पे देख रहे हैं कि ये 19.5% की सतह पे रहेगी। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तकरीबन 4% पे रहेगा, और ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसका, ये इंडस्ट्री हाईएस्ट है। मिजान बैंक के बाद इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज़्यादा है। इसी तरह इसकी जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और जो सब्सटेंशियल इसमें इंक्रीज़ आया वो जो लास्ट क्वार्टर था कैलेंडर ईयर 2021 का उसमें हुआ। तो अभी जो इसकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है वो 41% पे है। अच्छा, अब जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बढ़ने से जो बैंक का जो इफेक्टिव टैक्स रेट है उस पर भी एक बेहतरी आएगी, और जिससे उसकी अर्निंग बढ़ने का काफ़ी अच्छा चांस है। इसके अलावा व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है इस साल के लिए वो हम 30 रुपये 30 पैसे पे देख रहे हैं, और इसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो देखो 22 रुपये 50 पैसे के लेवल पे हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस शेयर को आपको रेकमेंड करने की दूसरी मेन रीज़न ये है कि इसके पास जो स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अभी आपने अगर लेटेस्ट डीपल ऑक्शंस की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें आप एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि जो इनका स्प्रेड होता है, कि द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी रेट और जो ऑक्शन रेट में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 1% से बढ़ के 2.1% पे आ चुका है, और ये तकरीबन तमाम बैंक्स को आइंदा आने वाले दिनों में उनकी अर्निंग्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा व्यूअर्स, एक आपका क्वेश्चन था कि लास्ट 3 to 4 months में डिस्काउंट रेट्स तो बढ़ गए लेकिन बैंक्स की जो प्राइसेस हैं वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ी और बैंक्स तकरीबन उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करते रहे, तो हमने कुछ तो खास इम्पैक्ट देखा नहीं बैंक्स में। तो व्यूअर्स, उसकी रीज़न ये होती है कि जो बैंक के एसेट्स होते हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, उसका एक मेच्योरिटी प्रोफाइल होता है। तो ये जो भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है इसको ट्रांसलेट करने में उनकी इनकम स्टेटमेंट में तकरीबन 6 से 9 महीने का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में, यानी जनवरी मार्च और अगर आप देखें अप्रैल जून का जो क्वार्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर्स की जो अर्निंग्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, और उसके साथ साथ यूबीएल की अर्निंग्स में भी एक अच्छा हम इम्पैक्ट दे सकते हैं, और ये जो प्रीवियस डिस्काउंट रेट की इंक्रीजेज हैं इसका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे कि इनकी यूबीएल की इनकम स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा। इसके अलावा एक दूसरी रीज़न जो जिसकी वजह से हम आपको ये शेयर सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने जो मिनिमम डिपॉजिट रेट है वो कांस्टेंट रखा है, जबकि बैंक्स के जो एसेट्स हैं उनकी जो यील्ड है या रिटर्न है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो नो डाउट इस फैक्टर से बैंक के मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव होंगे जिससे उनकी अर्निंग्स बहुत बेहतर होंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, जो डिपॉजिट मिक्स है यानी द मिक्स बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, वो यूबीएल का पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, दैट इज़ 43.5%। अब एज यू आर अवेयर कि जो करंट अकाउंट्स होते हैं उस पर बैंक किसी किस्म का इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो ये जो बैंक के लिए है ये फ्री सोर्स फंडिंग होती है और ये बैंक्स की अर्निंग्स को काफ़ी बढ़ाती है, क्योंकि बैंक्स नो डाउट इस पैसे को तो यूटिलाइज कर रहा है लेकिन इस पैसे के अगेंस्ट उसको कॉस्ट नहीं पड़ी होती, क्योंकि वो डिपॉजिटर को इसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा होता। तो इस जो करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट मिक्स में प्रोपोर्शन है यूबीएल का ज़्यादा होने की वजह से भी इसकी अर्निंग्स में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ब्रीफली हमने आपके साथ शेयर किया कि वो कौन से प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम आपको यूबीएल का शेयर सजेस्ट कर रहे हैं,
और ये इसमें हमारी रिसर्च की काफ़ी एफर्ट है, हमारी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसकी बेसिस पे हम ये आपके सामने जो भी फैक्ट्स हैं ये ला के रख रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल की जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है या मंदे का रुझान है, उसमें इस तरह के शेयर जब हम आपको सजेस्ट करेंगे तो वो आपकी ना सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देंगे। और उसके साथ साथ एक जो चीज़ हम आपसे बार बार कहते रहे कि जी सट्टा का जो शेयर है, स्पेकुलेटिव आइटम, उसको अवॉइड कीजिए। नो डाउट इसमें अर्निंग्स भी अच्छी मिलती हैं और उसी तरह उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है। तो अब आप देखें कि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, कि अगर आपने इस तरह के वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 3-4 महीने की जो मार्केट में नेगेटिव मूव आई है तो उसमें इंडेक्स के जो काफ़ी शेयर्स है लाइक टैली और डिफरेंट शेयर्स हैं वो 40-60% वैल्यू लूज कर चुके हैं। वेयर एज ये जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, खासतौर पे बैंकिंग के स्टॉक्स, इनमें इतना कोई खास प्राइस में डिक्रीज नहीं आया। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन वैल्यू स्टॉक्स एंड इन दो स्टॉक्स विच आर डिफेंसिव, जो कि सेफ साइड पे होते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम अपनी कोशिश को मज़ीद बढ़ा सकें और आपके लिए इसी तरह के मज़ीद क्वालिटी रिसर्च वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।